नमस्कार दोस्तों मैं हूँ प्रांशु और ये है हमारी बलेनो 2023 मॉडल आज इस गाड़ी को लिए हुए हमें ऑलमोस्ट एक साल एक महीना हो चुका है हमने इसे 18 अगस्त 2023 को परचेज़ किया था और ये गाड़ी ऑलमोस्ट अभी 12000 किलोमीटर चल चुकी है दोस्तों तो ओवरऑल इस ट्डियोर्ड में इस गाड़ी ने यहाँ पर क्या फ्यूल एफिशंसी दी ऑलमोस्ट इसकी यहाँ पर तीन सर्विस हो चुकी है तो इसका सर्विस कॉस्ट का यहाँ पर क्या एक्सपेंडिचर आपका रहने वाला है और ओवरऑल इस एक साल एक महीने में इस गाड़ी ने कैसा परफॉर्म किया इसके बारे में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं दोस्तों इस गाड़ी की सर्विस के साथ तो इस गाड़ी के दोस्तों सर्विस कॉस्ट हमने जो दस हज़ार किलोमीटर पर कराई थी वो अराउंड चार हज़ार रुपये हमें पड़ी थी जिसमें लेबर फ्री थी अगर आप लेबर को इंक्लूड कर लेंगे तो अराउंड छः से सात हज़ार रुपये आपकी यहाँ पर जनरल सर्विस रहती है जिसमें आपका इंजन ऑयल चेंज हो गया सारे फ़िल्टर्स वगैरह चेंज हो गए वॉशिंग वगैरह हो गई छः से सात हज़ार रुपये आप यहाँ पर मान के चल सकते हैं और इससे पहले भी हज़ार और पाँच हज़ार वाली हुई थी पर उसमें कुछ नहीं होता है दोस्तों वो आप केवल गाड़ी वॉश करते हैं और उसको इंस्पेक्ट करके दे देते हैं और अगर आप व्हील बैलेंसिंग अलाइनमेंट या फिर और कुछ आपका पार्ट आप रिप्लेस कराते हैं जैसे ब्रेक पैड्स वगैरह हो गए या और कुछ हो गए तो उसके अंदर आपके यहाँ पर सर्विस कॉस्ट वेरी कर सकती है तो दोस्तों मारुति की सर्विस इतनी भी मैं कहूँगा कि इकोनॉमिकल नहीं है कि बहुत ही सस्ती है या फिर ऐसा भी नहीं है कि बहुत महंगी एक डिसेंट काइंड ऑफ यहाँ पर आपको सर्विस का कॉस्ट देखने को मिलने वाला है तो अब बात करते हैं दोस्तों गाड़ी की फ्यूल एफिशिएंसी के बारे में तो एक बार मैं आपको ले चलता हूँ इस गाड़ी के इंटीरियर में वहाँ से आप इसको थोड़ा बेहतर समझ पाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों अराउंड ट्वेल्व थाउजेंड नाइन्टी वन किलोमीटर्स जो हैं यहाँ पर कार चल चुकी है और फ्यूल एफिशिएंसी जो यहाँ पर दिखा रहा है आप ओवरऑल देख सकते हैं एक बार मैं लाइट्स ऑफ कर देता हूँ जी ओवरऑल आप यहाँ पे देख सकते हैं 16 से 17 किलोमीटर पर लीटर जो है ये गाड़ी ऑलमोस्ट दे रही है जो मैंने इसको रिफ्यूल पे यहाँ पर कर रखा है तो इस गाड़ी का जो है दोस्तों माइलेज एसी पे काफ़ी वेरी करता है तो सिटी में जो है दोस्तों इसमें आपको ऑलमोस्ट 16 से 17 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज देखने को मिल जाएगा अगर आपकी सिटी खुली खुली है इतना ट्राफिक वहाँ पर नहीं रहता है और ए भी आप अराउंड मॉडरेट चलाते हैं बीच में कभी बंद कर देते हैं कभी चालू कर देते हैं इतनी गर्मी नहीं है तो ऑलमोस्ट सोलह से सत्रह का यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा हमारी सिटी दोस्तों उदयपुर राजस्थान है यहाँ पर इतनी ट्रैफिक नहीं रहता है और ऑलमोस्ट मीडियम से यहाँ पर अभी गर्मी पड़ रही है तो सोलह सत्रह का यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा पर अगर गर्मी काफ़ी ज़्यादा है ए काफ़ी अच्छा चल रहा है गर्मी बहुत पड़ रही है और बम्पर टू तो बम्पर ट्रैफिक में आपकी गाड़ी है तो इतना ही एवरेज निकाल देगी अराउंड चौदह पंद्रह का अब बात करते हैं दोस्तों इस गाड़ी के हाईवे माइलेज की अगर आप हाईवे में आपकी गाड़ी फुली लोडेड है पाँच जने और पैसेंजर्स के साथ और अच्छा खासा आप इसे चला रहे हैं लाइक सौ एक सौ बीस के आसपास ए सी भी इसका ऑन है तो ये आपको अराउंड देगी अठारह से उन्नीस का माइलेज हाईवे के ऊपर और अगर आप मोस्टली सिंगल पर्सन ट्रैवल कर रहे हैं या फिर दो तीन जने हैं और इतना गाड़ी में लोड नहीं है और अगर आप अराउंड सेवेंटी से एट्टी या फिर एटी नाइन्टी आप यहाँ पर मेनटेन करते हैं तो ये गाड़ी आपको आसानी से बीस प्लस का यहाँ पर एवरेज दे देगी और अगर आप आग बिल्कुल इसे एवरेज निकालने के हिसाब से चलाते हैं कि आप एकदम इसको अस्सी पे क्रूज पे लगा दीजिए या एकदम सिंगल पर्सन ट्रैवल कर रहे हैं और ए भी आपका ऑलमोस्ट मॉडरेट चल रहा है फिर सर्दियों का समय है तो इस गाड़ी में मैंने अराउंड पच्चीस से छब्बीस का माइलेज भी देखा है तो एक ओवरऑल माइलेज की मैं बात करूँ दोस्तों तो सिटी में आप मान के चल सकते हैं पंद्रह से सोलह का और हाईवे पे आप मान के चल सकते हैं अराउंड उन्नीस बीस का और मैंने आपको कंडीशंस बता दी दोस्तों कि इसमें एक तो जितने पैसेंजर्स होंगे उसके ऊपर भी डिपेंड करता है और ए से भी इसका जो है माइलेज काफ़ी वेरी करता है तो नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन दोस्तों पेट्रोल में तो डेफिनेटली ये एस्पेक्ट्स तो रहते ही ये डीजल में इतना फ़र्क नहीं पड़ता है ए का पर पेट्रोल में डेफिनेटली यहाँ पर फ़र्क पड़ता है तो अब मैं दोस्तों आपको ऑन एंड नेटशल आपको बताने वाला हूँ इसके सारे ही पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स जो हमने यहाँ पर एक साल में एक्सपीरियंस करें तो सबसे पहले पॉजिटिव की बात करते हैं दोस्तों वो है इस गाड़ी का कम्फर्ट कंफर्ट बहुत ही अच्छा है जो सस्पेंशन सेटअप यहाँ पे मारुति के द्वारा ऑफ़र किया गया है स्पेशली बलेनो फेसलिफ्ट में यहाँ पर ये काफ़ी इंप्रूव हुआ है और गाड़ी जो है गड्ढों को काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पर एब्जॉर्ब करती है और कहीं भी आपको ये फील नहीं होने देती है कि ये हैचबैक सेगमेंट की कार है तो काफ़ी अच्छा है यहाँ पर आपको कम्फर्ट लेवल जो है इस गाड़ी का देखने वाला देखने को मिलने वाला है और दोस्तों एक कार हाईवे पर भी यहाँ पर काफ़ी स्टेबल है क्योंकि सस्पेंशन सेटअप जो है इस तरीके से ट्यून किया गया है कि सिटी में काफ़ी आपको कम्फर्ट प्रोवाइड करता है और हाईवे पे जो है गाड़ी बिल्कुल भी वेव नहीं करती है बिल्कुल भी ऐसे ऊपर नीचे नहीं होती है और काफ़ी अच्छा स्टेबिलिटी जो है यहाँ पर आपको हाईवे पे निकल के गाड़ी की मिलती है दूसरे पॉजिटिव की बात करेंगे दोस्तों दूसरा है इसका कॉस्ट ऑफ ओनरशिप इतना नहीं है माइलेज काफ़ी अच्छा है और एक काफ़ी नो नॉनसेंस कार है सिटी के लिए अगर आप देख रहे हैं काफ़ी स्मूथ टू ड्राइव है इसका क्लच गेट शिफ्ट स्टेयरिंग व्हील काफ़ी यहाँ पर लाइट है काफ़ी ईजी कंट्रोल से कार के और साइज़ भी जो है गाड़ी की काफ़ी मैनेजेबल है तो सिटी के लिए एक यहाँ पर काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है और हाईवे पर भी जो गाड़ी की स्टेबिलिटी यहाँ पर काफ़ी अच्छी है अब बात करते हैं दोस्तों इस गाड़ी की पॉजिटिव नंबर थ्री की वो है इसका रियर सीट कंफर्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा यहाँ पर पीछे की तरफ लेग स्पेस देखने को मिलता है रियर एसी वेंट्स दिए गए हैं पीछे की सीट्स में आपको तीनों ही यहाँ पर हेडरेस्ट एडजस्टेबल देखने को मिलते हैं और सीट का कंफर्ट भी जो है यहाँ पर काफ़ी अच्छा यहाँ पर दिया गया है और ऐसा नहीं है कि पीछे की यहाँ पर लेग रूम अच्छा है तो फिर यहाँ पर आगे का कॉम्प्रोमाइजड है और आगे की ड्राइविंग पोजीशन भी यहाँ पर काफ़ी कंफर्टेबली एडजस्टेड है पर फिर भी यहाँ पर जो है रियर में काफ़ी स्पेस काफ़ी अच्छा स्पेस यहाँ पर आपको देखने को मिलता है और गाड़ी के ओवरऑल डोर्स वगैरह और हर चीज़ जो है यहाँ पर काफ़ी हैवी फील करती है स्पेशली बलेनो फेस में जो है यहाँ पर आपका काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है और ओवरऑल आप डैशबोर्ड के लुक देख सकते हैं काफ़ी अच्छा है यहाँ पर आपको इंटीरियर्स भी देखने को मिलते हैं और अब बात करते हैं दोस्तों इस गाड़ी के नेगेटिव्स की या फिर लिमिटेशन आप इसे कह सकते हैं वो है दोस्तों इस गाड़ी का टॉर्क यहाँ पर आपको पावर तो काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है बट इस गाड़ी में टॉर्क दोस्तों इतना नहीं है और वो आपको यहाँ पर कब महसूस होगा जब यहाँ पर आप पाँच जने बैठे होंगे या फिर एकदम स्टीप सी आप चढ़ाई पर आपको चढ़ना होगा या फिर ऐसी जगह जब गाड़ी बहुत ही स्लो हो जाती है तो यहाँ पर सेकंड गियर में जो है यहाँ पर नहीं उठती आपको इसको फ़र्स्ट में ही लेना पड़ेगा और अगर आप जब पाँच जने ट्रैवल कर रहे हैं और तो यहाँ पर आपको फ्रिक्वेंट है डाउन शिफ्ट जो है यहाँ पर गाड़ी डिमांड करती है पावर बैंड के अंदर बने रहने के लिए तो ऐसे काफ़ी सारी सिचुएशंस होगी दोस्तों जहाँ पर आपको इस गाड़ी का फर्स्ट गियर को इंगेज करना होगा तो गाड़ी में थोड़ा सा यहाँ पर टॉर्क की यहाँ पर कमी जरूर देखने को लगती है जैसे कि जैसे जैसे कि मैंने अभी पार्किंग से यहाँ पर गाड़ी चढ़ेगी आप देख सकते हैं हमारे पार्किंग का स्लोप इतना नहीं है ऑलमोस्ट आप उतना मान सकते हैं जितना सामने है तो इसमें जो है गाड़ी आपकी स्टॉल हो जाती है अगर आप इसे बीच में ब्रेक कर देते हैं तो टॉर्क के जो है उसका यहाँ पर डेफ़िनेटली कमी गाड़ी के अंदर है और दूसरी कमी आप यहाँ पर कह सकते हैं दोस्तों गाड़ी की विजिबिलिटी के अंदर वो मैं कैसे है वो आपको अंदर से चेक करवाता हूँ सिटिंग बुजना देख सकते हैं और इसकी हाइट वगैरह एडजस्ट कर सकते हैं पर इतना उससे फ़र्क नहीं पड़ता है दोस्तों विजिबिलिटी में जैसे कि ये मेरा यहाँ पर पॉइंट ऑफ व्यू है मैं इसका मैं कैमरा को बिल्कुल अपनी आँखों के पास रख लेता हूँ दोस्तों ऐसा कुछ मुझे इस गाड़ी का पॉइंट ऑफ व्यू देखने को मिलता है जब मैं इसे ड्राइव करता हूँ तो आप देख सकते हैं सबसे पहला ऑब्स्ट्रक्शन आता है इसका आई आर वी एम ये आपकी बिल्कुल ही लाइन ऑफ साइट में आता है जैसे आपको मान लो उधर की कुछ चीज़ देखनी है तो ये आपके जो है यहाँ पर बीच में आ जाता है तो इससे जो है विजिबिलिटी यहाँ पर काफ़ी ऑब्स्ट्रक्ट होती है गाड़ी का बोनट आपको इतना नहीं दिखता है बिल्कुल थोड़ा बहुत आपको देखने को मिलेगा पर गाड़ी की एज जो है यहाँ पर नहीं दिखती है और ऐसा कुछ आपको डैशबोर्ड देखने को मिलेगा और स्क्रीन और आई आर वी में आप देख सकते हैं दोस्तों डिस्टेंस काफ़ी कम है एक तो ये तो विजिबिलिटी को ब्लॉक करते ही है तो इससे और यहाँ पर विजिबिलिटी हंडर होती है आपको बोनेट भी नहीं देखने को मिलता है और ओवरऑल जो है आपने यहाँ पर आपको काफ़ी यहाँ पर लो लो फील होता है तो आपको इस गाड़ी को चलाने के लिए तो काफ़ी अंदाज़ा रखना पड़ेगा क्योंकि पहले दिन या फिर दूसरे दिन आप यहाँ गाड़ी को चलाएंगे तो इतना आपको सेट होने में इस गाड़ी में टाइम लगेगा ओवरऑल डायमेंशन जो है इतने परफेक्टली आप इस गाड़ी के अंदाज़ा नहीं लगा सकते क्योंकि एक तो सिटिंग पोजिशन लो है और ओवरऑल बोनेट भी आपको नहीं दिखता है आयरवे में भी आपकी विजिबिलिटी ब्लॉक करता है तो ऐसा नहीं है आप इससे बिल्कुल यूज़ टू हो, हो सकता है बट अगर आप किसी और किसी गाड़, गाड़ी से आ रहे हैं जिसकी विजिबिलिटी बहुत अच्छी है या फिर वो कोई एस कैटेगरी की कार है या फिर थोड़ी सी टॉल बॉय टाइप की कार जैसे वेगनार हो गई इग्निस हो गई या फिर और कोई कार हो गई इसी सेगमेंट में जिसकी सिटिंग पोजीशन हाई है तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी यहाँ पर प्रॉब्लम देखने को मिलने वाली है गाड़ी की विजिबिलिटी में फिर उससे यहाँ पे यूज्ड टू हो सकते हैं तो ओवरऑल इस एक साल एक महीना और बारह हज़ार किलोमीटर में दोस्तों मुझे इस गाड़ी के दो ही केवल यहाँ पर लिमिटेशंस महसूस हुए पहला है दोस्तों गाड़ी का टॉर्क यहाँ पर आपको थोड़ा सा डाउनशिफ्ट शिफ्ट ये गाड़ी मांगती है जब भी आप स्टिप में है या फिर लोड जा गाड़ी में ज़्यादा है और दूसरा है गाड़ी की विजिबिलिटी पर इतनी भी कोई बड़ी लिमिटेशंस नहीं है दोस्तों ये बिल्कुल भी डील ब्रेकर नहीं है इससे आप ओवर द टाइम यहाँ पर विजिबिलिटी से भी आप ओकेश हो जाएंगे और डाउन हर एक पेट्रोल इंजन का नेचर होता ही है यहाँ पर आपको डीजल वाला टॉर्क तो देखने को नहीं मिलेगा तो इससे भी यहाँ पर आप यूज हो जाएंगे और इसका एक डिसएडवांटेज जैसे मैंने बताया कि टॉर्क है पर उसका यहाँ पर आपको पॉजिटिव देखने को मिल जाएगा कि फ्यूल एफिशिएंसी गाड़ी में काफ़ी अच्छी है क्योंकि अगर आपको पेट्रोल ही लेना है आप पावर की तरफ जाना चाहते हैं तो टर्बो पेट्रोल में यहाँ को फ्यूल एफिशिएंसी भी देखने को नहीं मिलती है तो ये था दोस्तों हमारी बलनों का एक ओनरशिप रिव्यू मैं आशा करता हूँ मैंने यहाँ पर सारी एस्पेक्ट्स को यहाँ पर कवर कराया अगर आपका और कोई भी क्वेश्चन है बलनों के रिगार्डिंग तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है मैं ज़रूर से उसका यहाँ पर आंसर कर दूँगा सो थैंक यू दोस्तों आज के लिए इतना ही कीप सपोर्टिंग